ये सीक्वेंस कुछ ऐसा है कि अब मुझे समायरा ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही है कि अब मैं बता दूंगी कि विक्रांत को कि हम लोग भागने वाले थे, ये करने वाले थे, वो करने वाले थे। तो मेरे दिमाग में आता आ रहा है मेरी तो उसकी बेटी से शादी हो रही है, सुनेगा ही नहीं किसी की अभी। तो मैं बोलता हूँ अच्छे काम करो, चलो मैं लेके चलता हूँ, तुम सामने सामने बोलते हो, मैं देखता हूँ क्या बोलती हो तुम। तो यहाँ के आगे कुछ बोल ही नहीं पाती हो विक्रांत के सामने, वो बोलते शुरू हो जाता है, डर जाती हो। हाँ कि अब दो दिन बाद शादी है, ये तो पता था कि शादी हो रही है लेकिन ये नहीं पता था कि दो दिन बाद हो रही है। तो क्रिश एक तरफ शादी हो रही है और सास के साथ भी जी रोमांस चल रहा है, तो ये सब कैसे हैंडल कर पाते? उफ मार डाला। अरे हैंडल करना पड़ता है, और जब दो दो को करना है और संभालना है तो थोड़ा बहुत दिमाग लगता है। तो कृष्णा उस चीज़ को बहुत समझ के समझदारी से कर रहा है हर चीज़ को, क्योंकि समारा के साथ अलग से करना है, काव्या के साथ अलग करना है, तो बहुत सारी प्लानिंग प्लॉटिंग चलती रहती है कृष्णा के दिमाग में। और उसके मेन फोकस यह है कि उसको बदला लेना है इस घर वालों से जो किया उन्होंने उसके साथ। मुझे ऐसा लगता है, कृष्णा को ऐसा लगता है कि वो बहुत पास आ जाएगा इस घर को बर्बाद करने के लिए। जैसे अपने उसमें नहीं था बाजीगर टाइप फिल्म में, तो कैसे आता है मदन चोपड़ा और मैं यहाँ गाता हूँ विक्रांत सिंघानिया, तो वो है। वो क्या करेंगे, वो तो सब तोड़ेंगे यहाँ पे, कहेंगे मुझे बेवकूफ़ बना दिया तुमने। पता नहीं क्या क्या करेंगे यार, वो अभी इतनी जल्दी खुलेगा नहीं वो, कि उन्हें पता लगेगा, धीरे धीरे पता लगेगा। थैंक यू सो मच।